भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति ने होने वाले नगरीय निकाय चुनाव 2022 के लिए 13 महापौर प्रत्याशियों के नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें मुरैना से श्रीमती मीना जाटव, सागर से श्रीमती संगीता तिवारी, रीवा से श्री प्रबोध व्यास, सतना से श्री योगेश ताम्रकर, सिंगरौली से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, जबलपुर से डॉक्टर जितेंद्र जामदार, कटनी से श्रीमती ज्योति दीक्षित, छिंदवाड़ा से श्री अनंत ध्रुवे, भोपाल से श्रीमती मालती रॉय, खंडवा से श्रीमती अमृता यादव, बुरहानपुर से श्रीमती माधुरी पटेल, उज्जैन से मुकेश टटवाल और देवास से श्रीमती गीता अग्रवाल हैं। वहीं बीजेपी ने 13 महापौरों प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी, उस बैठक पे चर्चा के दौरान जो नाम प्रत्याशियों के महापौर के लिए जिनको स्वीकृति प्रदान की गई, ऐसे नामों का मैं आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं। मुरैना नगर निगम के महापौर के प्रत्याशी के लिए श्रीमती मीना जाटव, सागर महापौर के प्रत्याशी के लिए श्रीमती संगीता तिवारी, रीवा महापौर के प्रत्याशी के लिए श्री प्रबोध व्यास, सतना महापौर के प्रत्याशी के लिए श्री योगेश ताम्रकर, सिंगरौली महापौर प्रत्याशी के लिए श्री चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, जबलपुर वहां के प्रसिद्ध चिकित्सक जाने माने ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जितेंद्र जामदार, कटनी से वहां के बहुत ऐसे कार्यकर्ता और लगातार पार्षद, तीसरी बार पार्षद श्रीमती ज्योति दीक्षित, छिंदवाड़ा से डॉक्टर श्री अनंत ध्रुवे, भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ कुमारी नेता और लगातार एक कार्यकर्ता की भूमिका में जो भोपाल के अंदर रही है, पार्षद रही है, ऐसी श्रीमती मालती राय, खंडवा से जो वहां के नगर निगम के अध्यक्ष रहे और एक प्रतिष्ठित परिवार श्रीमती अमृता यादव, बुरहानपुर से श्रीमती माधुरी पटेल, उज्जैन से श्री मुकेश टटवाल और देवास से श्रीमती गीता अग्रवाल, ऐसे अभी 16 में से 13 महापौर प्रत्याशियों के नाम की आज मैं अभी घोषणा की है। मैं सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इन प्रत्याशियों में ऐसे लोग हैं जिनकी समाज के अंदर उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर संगठन के प्रति प्रतिबद्ध होकर के काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता जो लगातार समाज में और संगठन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नगर निकाय के इस चुनाव में उनकी महापौर प्रत्याशी के तौर पर जो घोषित हुए हैं, चुनाव जीत करके मध्य प्रदेश के विकास में एक नए आयाम लिखने वाले कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है ये सभी प्रत्याशी ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस चुनाव में जीत करके इतिहास बनाएंगे। मैं पुनः एक बार सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी 3 नगर निगम के इंदौर, रतलाम और ग्वालियर वो जल्दी ही आपको घोषित हो जाएगा। चेहरे के सामने थोड़ा ये भारतीय जनता पार्टी है, सामूहिकता के आधार पर हम काम करते हैं।